सपा नोएडा महानगर व्यापार सभा द्वारा महानगर अध्यक्ष बाबूलाल बंसल के नेतृत्व में भंगेल चौकी से लेकर सेक्टर 82 तक देश व प्रदेश में बढ़ती महंगाई व खुदरा फुटकर और छोटे दुकानदारों के समर्थन में और ऑनलाइन व्यापार के खिलाफ पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान मीडिया से हुई बातचीत में क्या कहना था महानगर अध्यक्ष डॉक्टर आश्रय गुप्ता का, देखिए इस खास खबर में। देखिए, आज जो हमारी व्यापार जो हमारा व्यापार विभाग का प्रकोष्ठ है उसके द्वारा पार्टी हाईकमान से आदेश आया था कि जो हमारे देश और प्रदेश में व्यापारों का शोषण जो किया जा रहा है, ऑनलाइन व्यापार को बढ़ाया जा रहा है, दुकानों पे आदमी जो बैठे हैं व्यापारी उनके माल नहीं बिक रहा, उनका सामान नहीं बिक रहा, महंगाई चरम पर है, उस पर ऑनलाइन ऑफर इतने ज़्यादा दे देते हैं कि लोग जो व्यापार हमारे ज़मीनी स्तर पर खुले हुए हैं, दुकानें हैं जो छोटे बुनकर दुकानें हैं, उनको नुकसान पर नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस चक्कर में, इसी क्रम में हम लोगों ने पार्टी के द्वारा जो हाईकमान से आदेश आया था उसके लिए हमने पदयात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहा। जो व्यापारी वर्ग है वहाँ पर, जो जनता है, कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कम करें, और जो दुकानदार हैं जो ज़मीन पे आपको अच्छा माल देते हैं, आपके सामने सामने आपको ऑनलाइन में बहुत बेनिफिट्स डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि आप माल बुक कर देते हो, अपना कोई भी सामान बुक कर देते हो, वो ख़राब आ जाता है, लेकिन आप अपने सामने कोई भी चीज़ लोगे वो आपको फ्रेश मिलेगी। ऐसे का तमाम मुद्दे जो हम लोगों ने जनता से पदयात्रा के माध्यम से, हमने बंगेल जो चौकी है वहाँ से लेके 82 के जो यथार्थ हॉस्पिटल है उससे वहाँ तक हमने 2 किलोमीटर का लंबा पैदल मार्च निकाला। चुनाव को लेकर के हम लोग के अभी हम लोग बूथ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत निकट आ चुका है और बूथ कमेटियों पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, और हमने BLA बूथ लेवल एजेंट पे बनाना शुरू कर दिए ताकि हम लोग बूथ पे मजबूत हुए और ग्राउंड पे हम लोग काम करना शुरू करें। पार्टी क्योंकि हर घर घर जाके वोट पे अपील करेगी, क्योंकि हमने इतने काम कर दिए थे अखिलेश यादव जी ने सरकार में कि हमें उन कामों को अवगत करा के लोगों से वोट पे बात करनी है। 2024 में विकास के लिए वोट लेना है, क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में ही लखनऊ में एक मैच हुआ था जिसका श्रेय सारा अखिलेश यादव जी को मिला है। लोग वहाँ की जनता भी अखिलेश यादव जी को प्यार करती है, इंटरनेशनल स्तर पर अखिलेश यादव जी की छवि बहुत मजबूत हुई है इस मैच के कारण। ऐसे ही हम लोगों ने नोएडा में भी तमाम काम किए हैं जिसको हम जन जन तक पहुँचाएंगे, और 2024 में जो भी हमारा प्रत्याशी होगा उसके लिए वोट मांगेंगे।